नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। नूह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा पर हमले के बाद भड़की हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी हां, भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए फिरोजपुर झिरका के विधायक का नाम 1.5 दर्जन से अधिक FIR में शामिल करने की अब तैयारी है। जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक तकरीबन, आपको बता दें कि आगे बढ़ने के साथ ही हिंसा में मामन की और भूमिका सामने आ रही है। कम से कम 20 FIR में मामन का नाम शामिल किया गया है, आपको बता दें, और ये आसार है कि ये शामिल किया जा सकता है। इधर मामन खान को 31 जुलाई को बड़कली चौक पर हिंसा भड़काने के आरोप में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ में जुटी है। एक अधिकारी इस पर कहते हैं कि साफ तौर पर पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर वो बताते हैं कि मामन खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अधिकतर सवालों के जवाब में वे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। राजस्थान से गिरफ्तार किए जाने से पहले मामन खान ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अंतरिम राहत की मांग की थी। अब तक मामन का नाम 4 FIR में शामिल किया गया है। इसमें एक केस भाजपा नेता से जुड़े तेल मिल में आग लगाने का, साफ तौर पर जिस तरीके से तेल मिल जो थी उसमें आग लगाने का ये मामला सामने आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मामन के खिलाफ सभी 4 FIR नू के नगीना पुलिस थाने में दर्ज है। इधर FIR नंबर लगभग 137 तक अगस्त को भाजपा नेता शिव कुमार राय ने नगीना पुलिस थाने में दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत में कहा था कि जब उन्हें बड़करी चौक पर भीड़ एकत्रित होने की सूचना मिली तो उन्होंने मिल बंद कर दिया थी और करीब 3 बजे भीड़ ने शटर खोल दिया, यहां तक कि कैश लूट लिया और मिल में आग लगा दी, जिससे करीब 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामन खान के खिलाफ IPC की धारा लगभग 148 खतरनाक हथियारों से लैस होकर दंगा कराना, 149 अवैध तरीके से साफ तौर पर जुटान और 435 आगजनी, 379 बी चोरी की नियत और 153 ए समुदायों के बीच नफरत पैदा करने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस केस में 5 आरोपी आंशिक, आसिफ, अल्ताफ, आरिफ और आदिल को 2 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपी ने उसे दिन लगभग मामन खान के साथ संपर्क में होने की बात स्वीकार की और इसके बाद उनका नाम FIR में शामिल किया गया। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।